सो हाय गाइस, आ चुके हैं एक नए वीडियो में। सो आपको भी ऐसे फोटो एडिटिंग करना है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ऑल पे सेट नहीं किए हैं प्लीज़ ऑल पे सेट कर लें ताकि मैं नए वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले आ सके। सो लेट्स स्टार्टेड। सो चले जाना ऑटो डेस्क पे, देन ऑटो डेस्क पे जाने के बाद फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना जिस भी फ़ोटो को बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। सो ये करने के बाद थ्री लाइन पे जाना है, देन थ्री लाइन पे जाने के बाद ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेना है। देन बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे, देन आ जाना बैक। बैक आने के बाद ये ब्रश पे जाना है, ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, देन आ जाना बैक, अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है। सो ये करने के बाद जाना है थ्री लाइन पे, देन थ्री लाइन पे जाने के बाद ये बैकग्राउंड आइज़ क्लोज कर देना है। देन आइज़ क्लोज करने के बाद आ जाना है बैक। बैक आने के बाद ये इस आइकन पे क्लिक करना है, देन इंपोर्ट इमेज कर देना है। सो बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। सो एडजस्ट करने के बाद ये सही का आइकन है, सो टाइप कर देंगे। फिर से जाना है थ्री लाइन पे, देन थ्री लाइन पे जाने के बाद ये बैकग्राउंड फ़ोटो के नीचे कर देना है। देन एक बार फोटो पे टैप करना है, देन आ जाना बैक। सो बैक आने के बाद ब्रश पे जाना है, देन ब्रश पे जाने के बाद सो ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे, देन आ जाना है बैक। बैक आने के बाद फिर से थ्री लाइन पे जाना है, देन प्लस के आइकन पे एक बार क्लिक करना है, देन ये एम्प्टी लेयर को फोटो के नीचे कर लेंगे, देन आ जाना है बैक। सो बैक आने के बाद शैडोज क्रिएट कर लेंगे, सो पैर के नीचे अच्छे से कर लेंगे गाइस। सो ये करने के बाद फिर से थ्री लाइन पे जाएंगे, देन जाने के बाद फिर से प्लस के आइकन पे एक बार क्लिक करेंगे, देन ये एम्प्टी लेयर को ले लेना है फोटो के ऊपर, देन आ जाना है बैक। बैक आने के बाद साइज़ को 10 कर लेना, आ जाना है बैक। बैक आने के बाद अच्छे से एक कॉर्नर पे, पैर के कॉर्नर पे कर लेंगे अच्छे से लाइन लाइन पे। सो ये करने के बाद दूसरे शूज पे भी कर देंगे। सो ये करने के बाद फिर से थ्री लाइन पे जाएंगे, देन थ्री लाइन पे जाने के बाद फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, देन
एम्प्टी लेफ्ट पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे, देन ब्लेंडिंग के आइकन पे एक बार क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, देन आ जाना है ये सॉफ्ट लाइट कर देना है, देन फिर से एक एम्प्टी लेयर लेना, देन एक बार एम्प्टी लेयर पे टैप करना है, देन आ जाना है ब्लेंडिंग पे, ब्लेंडिंग में जाने के बाद ये सॉफ्ट लाइट कर देना है, देन आ जाना बैक, बैक आने के बाद जाना है ब्रश पे, ब्रश पे जाने के बाद ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है, देन आ जाना बैक, बैक आने के बाद फिर से ब्रश पे क्लिक करना है, देन आ जाना है कलर पे, कलर ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे वाइट, देन आ जाना बैक, बैक आने के बाद अच्छे से अपने फेस पे कर लेंगे गाइस। जिस तरह मैं कर रहा हूँ गाइस उसी तरह करना, अच्छे से अपने फेस पे कर लेंगे। ये करने के बाद फिर से थ्री लाइन पे जाना है, देन फिर से एम्प्टी लेयर ले लेना, देन आ जाना है बैक, बैक आने के बाद जाना है ब्रश पे, ब्रश पे जाने के बाद ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है गाइस, स्क्रॉल डाउन करना है, देन स्मर्ज ब्रश ढूंढना है, देन ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, देन आ जाना है बैक, बैक आने के बाद अच्छे से फेस पे कर लेंगे, लोको 3 कर लेंगे गाइस। थ्री करने के बाद साइज को अपने हिसाब से कर लेंगे, सो अच्छे से फेस पे स्मूथ कर लेंगे गाइस।